चलो तो क्या होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में? ट्वेंटी शॉर्ट आंसर 21 से 39। अच्छा 20 के बाद से। हाँ हाँ याद आया। चलो डाउट्स है कुछ? कुछ डाउट्स हैं? नो सर। कोई डाउट नहीं? किया है? यस सर 31। यस सर 31 शायद तुम्हारा डाउट है। यस सर। कह रहा है शो दैट इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए देन ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है, दैट मीन्स ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल, अनलेस ये गिवन है तो अलग बात है। तो अगर हम बात करें कि a प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, सो दैट विल बी a प्लस बी इन टू ए प्लस बी। यस सर। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो तो a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। मैं इस a से दोनों में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ऑर्डर ध्यान रखना, जैसे ये वाला b आगे है तो ये आगे ही आएगा, तो नेक्स्ट एलिमेंट होगा b इंटू ए। अब मैं b से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बाकी दोनों में, तो b बाद में है और a पहले है, तो ए बी एंड देन b इंटू बी बी स्क्वायर। ये होता अगर नॉर्मल प्रोडक्ट होता। नाउ क्वेश्चन में दे रखा है कि ए बी और बी ए इक्वल है, सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन राइट बी ए एस ए बी, तो ये हो जाएगा 2ab। यस सर। ओके ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 36, आवाज कट रही है इसने, क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि प्रूव बाय इंडक्शन। इंडक्शन वाले क्वेश्चन वैसे तो नहीं आते हैं बट चलो देख लेते हैं। प्रूव बाय इंडक्शन दैट ए ट्रांसपोज टू द पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एन ट्रांसपोज। इंडक्शन मेथड याद सबको? यस सर। इंडक्शन मेथड क्या होता है कि वी प्रूव कि एन इज इक्वल टू वन के लिए ट्रू है, we consider कि n is equal to k के लिए true है, and then we prove कि n is equal to k plus 1 के लिए भी वो statement true है, ठीक है? So n is equal to 1 के लिए we can see कि a transpose is equal to a transpose आ जाएगा, तो statement true हो गया, ठीक है? Yes, n is equal to k के लिए हम इसको true मान लेते हैं, induction के method में यही होता है, तो a transpose to the power k is equal to a to the power k transpose। ये हमें ये ट्रू है, ये हमने मान लिया है। नाउ वी नीड टू प्रूव इट इट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन। तो बेसिकली हमें लेफ्ट हैंड साइड में ए ट्रांसपोज टू द पावर के प्लस वन चाहिए होगा, ठीक है? यस सर। तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पोस्ट मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया, ए ट्रांसपोज टू द पावर के प्लस वन, और राइट हैंड साइड में देखो क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में ए टू द पावर के हमें लाना है ए टू द पावर के प्लस वन ट्रांसपोज। तो इसको हम ठीक है। अब देखो यहाँ पर दोनों की पावर सेम है, जब दो नंबर की पावर सेम होती है तो बेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। यस सर। 2 to the power 5 into 3 to the power 5, क्या इसको हम 6 to the power 5 लिख सकते हैं, ठीक है? ऐसे ही यहाँ पर पावर सेम है तो ये बेस में क्या हो जाएगा, a to the power k, नहीं नहीं a to the power k है ना, हाँ हाँ हो जाएगा। एक स्टेप और लिख दूँ मैं, ये a ट्रांसपोज पावर लिखिए, दो बार ट्रांसपोज नहीं ना, यहाँ पर हमें लाना है a टू द पावर k प्लस वन, तो a टू द पावर k प्लस वन का ट्रांसपोज, और हमें एक मिनट में फिर से देखता हूँ इसको, ये था तो हमने बोथ साइड a ट्रांसपोज से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड तो बन गया, राइट हैंड साइड में ये अंदर कैसे जाएगा, a to the power k,
यहाँ ए ट्रांसपोज अगर है हाँ चलिए आप फॉर्मूला वो लगा देते हैं ना ए बी ट्रांसपोज वाला ठीक है ठीक तो हमने बोथ साइड मल्टीप्लाई किया था ए ट्रांसपोज से अच्छा ए बी ट्रांसपोज का फॉर्मूला याद है ए बी ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज तो यहाँ पर दो ट्रांसपोज है ये लिखा हुआ है बी ए ट्रांसपोज क्या हम इसको ए बी का होल ट्रांसपोज लिख सकते हैं ठीक है ना ऑर्डर चेंज करके yes, Yes. ये बी है और ये ए है तो इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू बी ट्रांसपोज तो ए हो गया सिर्फ ए और बी है ए टू द पावर के और इसका होल ट्रांसपोज जो कि हो गया ए टू द पावर के प्लस वन का ट्रांसपोज तो ये एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए स्टेटमेंट प्रूव हो गया कोई कंफ्यूजन हो अभी बता दो एन इज इक्वल टू वन के लिए तो वेरी क्लियरली वी कैन इजली टेल की ये ट्रू है एन इज इक्वल टू के लिए ट्रू मान लिया है फिर लेफ्ट हैंड साइड को k प्लस वन बनाने के लिए हमने बोथ साइड a ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया है तो लेफ्ट हैंड साइड तो अपने आप वही आ गया जो हमें चाहिए था हमें यही चाहिए था कि a ट्रांसपोज टू द पावर k प्लस वन आ जाए राइट हैंड साइड में हमने फॉर्मूला वाला यूज कर लिया है कि a ट्रांसपोज इंटू b ट्रांसपोज होता है बी ए का होल ट्रांसपोज तो दोनों को मल्टीप्लाई किया है ऑर्डर चेंज करके और होल ट्रांसपोज लगा दिया है ऑर्डर चेंज करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ा पावर एड हो गई तो हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो गया एन इज इक्वल टू K प्लस वन के लिए ठीक है नेक्स्ट आउट सर 49 48 तक ही दिया था ना यस सर 48 तक कोई डाउट है किसी को सर 33 कौन सा 33 या 43 सर 33 इफ ए इज दिस देन शो दैट ये तो इजी है ऐसे ही एक क्वेश्चन तो लास्ट क्लास में भी किया था ए है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा एंड कॉस थीटा ए स्क्वायर के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा अब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा पहला टर्म क्या कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा यस अच्छा कॉस इनटू कॉस कॉस ये कॉस टू थीटा हो जाएगा सेकंड टर्म क्या आ जाएगा तो पहले कॉलम को दूसरी रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा क्या ये 2 साइन थीटा cos थीटा आ जाएगा जो कि होता है साइन 2 थीटा ऐसे ही बाकी भी आ जाएंगे अगला आ जाएगा माइनस साइन 2 थीटा और अगला आ जाएगा cos 2 थीटा विच विल बी जो हमें प्रूफ करना है जो दिखाना है ये हो गया यही तो दिखाना था खत्म बात अच्छा नहीं नहीं सर वो पहला वाला मेरा 1 आ गया था अच्छा कोई बात नहीं चलो और कोई डाउट अप टू 48 सर एक बार प्रीवियस वाला स्क्रीन कर दो अच्छा Yes, sir. Okay. Or get out up to 48.
चलो 49 पूछा दीक्षा ने, वो भी इंडक्शन वाला है, तो मैं करा देता हूँ, उसके बाद तुम लोग करना आज के आगे। तो 49 में क्या कह रहा है कि इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए फॉर एनी टू स्क्वायर मैट्रिसेस प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन दैट ए बी टू द पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एन इंटू बी टू द पावर एन। ठीक है, तो पहले तो n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ करते हैं, तो दोनों तरफ n इज इक्वल टू 1 पुट करो तो क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए बी आ जाएगा, तो स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू k के लिए हम इसको ट्रू मान लेते हैं, दैट मीन्स ए बी टू द पावर k इज इक्वल टू ए टू द पावर k इंटू बी टू द पावर k। नाउ वी नीड टू प्रूव दिस स्टेटमेंट ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए प्रूफ करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि आ जाए ए बी टू द पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू ए टू द पावर के प्लस 1 इंटू बी टू द पावर के प्लस 1। ये हमें करना होता है, ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये हमने मान लिया। अब आगे हमें कुछ करके के प्लस 1 वाला बन जाए, तो हमें ए बी टू द पावर के प्लस 1 लाना है, तो क्या मैं दोनों तरफ ए बी से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया ए बी से, तो लेफ्ट हैंड साइड तो वही आ गया जो हमें चाहिए था, ए बी टू द पावर के प्लस 1। अब देखो राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, तो राइट हैंड साइड में हम जो गिवन प्रॉपर्टी है उसका यूज करेंगे। प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ ये हर पावर के लिए वैलिड हो सकता है, हर पावर के लिए वैलिड हो जाएगा, मतलब कि जैसे मैं दोनों तरफ ए बी से मल्टीप्लाई कर दूं, प्री मल्टीप्लाई किया है, देखो क्या हो जाएगा, यहाँ बी ए को मैं ए बी लिख सकता हूँ, क्वेश्चन में दे रहा, मैं इसको अलग से कर देता हूँ, ए बी इज इक्वल टू बी ए दे रखा है, मैंने कहा दोनों तरफ हमने प्री मल्टीप्लाई कर दिया है ए बी से, देखो क्या हो जाएगा, इससे ये जो हमारा बी ए है इसको मैं ए बी लिख सकता हूँ, ए बी इज इक्वल टू बी ए। देखो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गई। ऐसे राइट हैंड साइड में जो ए बी है मैं इसको बी ए लिख देता हूँ, दूसरे वाले मैं दूसरे वाले बी ए को ए बी लिख रहा हूँ अभी, तो ये ए बी हो गया, और फिर इस वाले बी ए को ए बी लिख रहा हूँ, कभी भी लिख सकते हैं ना ए बी को बी ए, तो सेकंड वाले को चेंज कर, तो क्या ए इंटू ए और बी इंटू बी बन गया, ये भी बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर। That means, यहां से क्या मालूम चला कि यार अगर AB is equal to BA है तो A power कोई भी हो हम इंटरचेंज कर सकते हैं, वो बात बन जाएगी हमारी, ठीक है, तो यहाँ इंटरचेंज अगर करोगे तो सीधे सीधे क्या बन जाएगा, ए टू द पावर के प्लस 1, बी इनको इंटरचेंज कर सकते हैं या इनको कर सकते हैं, दो बार कर देना वो फिर की बात वही हो जाएगी, तो ए टू द पावर के प्लस 1 और बी टू द पावर के प्लस 1, ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। इंडक्शन वाले क्वेश्चन वैसे नहीं आते हैं, एग्जाम्पलर में कुछ क्वेश्चन पूछे गए, एनीवे हमने कर लिए, सैंपल पेपर देखा सबने? यस सर। कैसा लगा? कैसा लगा? अच्छा सर। क्या? जितना इजी एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं लगा क्या? सर एनसीईआरटी के थे, ऑल्दो कुछ कुछ तो मतलब सही था पेपर। पेपर एक्चुअली में इजी है, बट जब हम अकेले देख रहे होते हैं तो लग रहा होता है अजीब सा। सो आई विल टॉक अबाउट इट इन वन क्लास, सिंपल क्वेश्चन। एक्चुअली जो नया डाला है पैराग्राफ वाला, ये 10th में भी डाला और 12th में भी, दोनों में ही नया नया है, इसलिए लग रहा है कि बहुत हैवी है, उसमें कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। चलो लिखने के बाद 50 में, अच्छा इसमें एक प्रॉब्लम है यार, जो सैंपल क्वेश्चन पेपर में एक इनवर्स वाला क्वेश्चन पूछ लिया है जो कि सिलेबस से हट गया था, आई थिंक डिटरमिनेंट से हट गया है ना वो, इनवर्स निकालना सर डिटरमिनेंट से नहीं हटा है, नहीं हटा है सर, तो ठीक है, मुझे
ऐसा था कि दोनों सही हट गया, फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो 50th में इनवर्स, 50-51 में इनवर्स ही निकालना है, 52 कर लेना और उसके बाद हम आज बाकी सारे सब कुछ कर लेंगे। तो तुम लोग पहले 52 से लेके 67 कर लो ऑब्जेक्टिव वाले, इसमें एलिमेंट्री वाले छोड़ सकते हो। तो 52 से लेके 65 तक आई गेस ये 5-10 मिनट में ही हो जाएंगे, सारे छोटे क्वेश्चन होने चाहिए, ऑल तो मैंने अभी देखे नहीं, बट आई गेस ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे छोटे ही होते हैं। 65 तक कर लो जल्दी से। चलो लेट्स डिस्कस। तो 49 से लेके 65 तक कोई डाउट? यस सर। 56 उससे पहले कोई डाउट सर? 54 उससे पहले? 54 देखो क्या कह रहा है क्लास 11 से। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 2 और 0, तो कितने एलिमेंट्स आने हैं इसमें? सर 9। हर प्लेस के पास कितना ऑप्शन है? 2^9, दो ऑप्शन बचेंगे अपने पास। पहले जैसे याद करो वो हम लोग बॉक्स बनाते थे, 5 लेटर वर्ड बनाने हैं तो कितने ऑप्शन, 5 ऑप्शन, 4 ऑप्शन, इसमें रेपिटेशन है, 0 या 2 कुछ भी आ सकता है हर प्लेस पे। तो पहले प्लेस के लिए 2 ऑप्शन, फिर 2 ऑप्शन, फिर 2 ऑप्शन, तो 2 करके 2^9 हो जाएगा ये? यस सर। 5 1 2 matrices are possible. Okay sir. 56 इसमें print ठीक नहीं है, बताना question क्या है? A is equal to 1/5 1/5 pi so 1/pi और फिर matrix I guess हाँ sin inverse x pi sin inverse x pi sir मैं हाँ सर फोटो क्लिक करके भेज दूँ? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। साइन इनवर्स एक्स पाई ओके एंड देन टैन इनवर्स एक्स अपॉन पाई एंड देन साइन इनवर्स लिख करो सीधा आंसर ही करना चाहिए ना एक्स अपॉन पाई एंड कॉट इनवर्स पाई एक्स ऐसे बी कोई मैट्रिक्स है। अभी हमें ए माइनस बी निकालना है। देखो ए माइनस बी में ये 1/π तो कॉमन ही है और एलिमेंट वाइज सबट्रैक्ट करो देखो sin इनवर्स x पाई प्लस cos इनवर्स x पाई फार्मूला याद है sin समथिंग पाई बाय 2 sin इनवर्स समथिंग प्लस cos इनवर्स समथिंग पाई बाय 2 होता है और ये tan इनवर्स वाले तो इक्वल ही है तो ये 0 हो जाएंगे नीचे sin इनवर्स वाले इक्वल ही है 0 हो जाएंगे और चौथे में cot इनवर्स पाई x प्लस tan इनवर्स पाई x tan इनवर्स समथिंग प्लस cot इनवर्स समथिंग पाई बाय 2 ये भी पाई बाय 2 होता है बस हो गया सबसे पाई कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगी 1/2 0 0 1/2 चाहो तो 1/2 कॉमन ले लो तो 1/2 आई बन जाएगी ये फिर 1/2 कॉमन लेंगे तो 1 0 0 1 हो जाएगा आई बाई टू हो गए yes. सिंपल था बस देखने में लग रहा था कि हाँ कुछ टेढ़ा मेढ़ा है। नेक्स्ट सर 62 कौन सा बोला 57 57 ये नोट कर लिया। बोला इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x m एंड 3x n एंड m इज इक्वल टू n देन ऑर्डर ऑफ 5a-2b। देखो दो मैट्रिसेस ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी हो सकते हैं जब उनके ऑर्डर इक्वल हो तो बेसिकली इनके ऑर्डर तो इक्वल होने चाहिए और वैसे भी दे रखा है कि m और n अगर इक्वल है तो 3x m और दूसरी भी 3x m हो गई ठीक है भाई। और तो इसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तो ऑर्डर में 3 तो फिक्स ही है जो रो होंगी वो तो 3 है वो तो फॉर श्योर फिक्स है तुम्हारा ऑप्शन बचा b और d। तो
अब m m और n दोनों की वैल्यू 3 हुए जरूरी नहीं है, कोई भी हो सकता है, तो 3 क्रॉस n चल जाएगा, फोर्थ ऑप्शन होगा। यस सर, यस सर। 3 क्रॉस m है, m बोल लो या n बोल लो, दोनों एक ही बात है कि m और n तो इक्वल है, ऑप्शन है ये वाला, तो ये वाला पकड़ लिया हमने, ठीक है। इस 5 का और 3 का 2 का कोई मतलब नहीं, 5 है और 2 भी लिखा ना, उससे कोई मतलब नहीं, उसका ऑर्डर थोड़ी चेंज होता है, हमें जस्ट इस बात का ध्यान रखना है कि a और b का ऑर्डर सेम है, बिल्कुल सेम है, वो तो वैसे भी दे रखा है, बाकी अंदर कुछ भी होता रहा कि 3a लिख दे, 10a लिख दे, 20a लिख दे, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। नेक्स्ट सर 59 प्रियांशु तुमने भी 59 बोला है क्या? यस सर। 59 कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की, जिसकी डेफिनेशन है कि जब i और j इक्वल नहीं होंगे तो 1 है एलिमेंट की वैल्यू, और जब i और j इक्वल होंगे तो एलिमेंट की वैल्यू है 0। तो पहला एलिमेंट है a11, यहाँ पर i और j इक्वल है तो 0 हो जाएगा। दूसरा एलिमेंट है a12, i और j इक्वल नहीं है तो 1 हो जाएगा। तीसरा एलिमेंट है a22, यहाँ पर इक्वल है, नहीं सॉरी a21, यहाँ पर इक्वल नहीं है तो 1 हो जाएगा, और a22 0, यहाँ पर इक्वल नहीं है, सॉरी यहाँ पर इक्वल है तो 0 हो जाएगा। सबको मैट्रिक्स बनानी आ गई भाई, a11 और a22 ये इक्वल होंगे, बाकी दोनों इक्वल नहीं होंगे, सिंपल सी बात ये है, मैट्रिक्स बन गई। कह रहा है ए स्क्वायर निकालो, तो इसी में फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 1 1 0, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो आई बन जाएगी ये, ठीक है। नेक्स्ट 62 ऐसे थे, उससे पहले दिव्यांश कुछ बोला तुमने, 62 ही बोला है, 62 कह रहा है मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n इज अ मैट्रिक्स सच दैट a b ट्रांसपोज एंड b ट्रांसपोज a आर बोथ डिफाइंड, देन b का ऑर्डर पूछा है। देखो यहाँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर की बात कर रहा है, तो हमें बस वो ध्यान रखना होता है कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। तो a का ऑर्डर है m क्रॉस n और b का ऑर्डर हमें नहीं पता है, तो इसको मैं x क्रॉस y लिख देता हूँ। अभी कह रहा है ई बी ट्रांसपोज डिफाइन है, अगर बी का ऑर्डर एक्स क्रॉस वाई है तो बी ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा, वाई क्रॉस एक्स। ट्रांसपोज में रोज और कॉलम इंटरचेंज होते हैं, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा वाई क्रॉस एक्स। और अगर ए इंटू बी ट्रांसपोज डिफाइन है, दैट मीन्स ये दोनों इक्वल होने चाहिए, yes, sir. इसका मतलब जो बी ट्रांसपोज या वाई की वैल्यू जो है वो एन के इक्वल है, yes, sir. दूसरा कह रहा है कि बी ट्रांसपोज ए भी डिफाइन है, बी ट्रांसपोज ए मतलब ये वाई क्रॉस एक्स हुआ और ये एम क्रॉस एन हुआ, अगर ये भी डिफाइन है दैट मीन्स ये दोनों इक्वल होना चाहिए, मतलब एक्स शुड बी इक्वल टू एम, ठीक है। तो हमारे जो बी मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर क्या था, एक्स क्रॉस वाई, वैल्यू पुट कर देंगे तो बी का ऑर्डर हो गया एम क्रॉस एन, तो एम क्रॉस एन हो गया आंसर हमारा, ठीक है। जिनका प्रोडक्ट डिफाइन है बस उनको साथ में लिख के वो मैच करा लिया करो कि ये दोनों चीजें इक्वल है, पहले का कॉलम दूसरे का रो। नेक्स्ट सर 63 कह रहा ए एंड बी आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज किस तरह की मैट्रिक्स होगी, लिख तो नहीं रहा था इसको, देखिए 63 बोल रहे ना, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की बात देखो तब होती है जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो इन्हें थोड़ा सा और क्वेश्चन को अच्छा फ्रेम करना चाहिए था। एनीवे तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक वगैरह चेक करने के लिए हमें वो चेक करना पड़ता है, इसका ट्रांसपोज लेके हम मान लेते हैं पी मैट्रिक्स है जो कि है ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। देखो ऑप्शन ऐसे है कि डिफाइन है ये, अगर डिफाइन है तो फिर हम ये नहीं चेक कर रहे हैं कि और क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं कि डिफाइन नहीं होगा,
हम सीधे चेक कर रहे हैं इसका ट्रांसपोज, अगर पी का ट्रांसपोज पी आ गया तो सिमेट्रिक है, माइनस पी आ गया तो इसके सिमेट्रिक है। पी ट्रांसपोज लेंगे तो इसका ट्रांसपोज जाएगा ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज, जो कि हो जाएगा प्लस माइनस, सीधे सीधे ट्रांसपोज लग जाता है ए बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब प्रोडक्ट में जब ट्रांसपोज होता है तो ऑर्डर चेंज करता है, तो इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा बी ट्रांसपोज ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। तो क्या ये हो जाएगा बी ए ट्रांसपोज माइनस ए बी ट्रांसपोज, इज इट माइनस पी? यस सर। तो उसका नेगेटिव ही तो है, तो p ट्रांसपोज माइनस p आ गया, दैट मींस ये मैट्रिक्स कैसी थी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट सर 64। यस सर 64। ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, देन ए माइनस आई क्यू प्लस ए प्लस आई क्यू माइनस सेवन ए इज इक्वल टू, नॉर्मल कैलकुलेशन ही है, ए माइनस आई होल क्यूब माइनस प्लस ए प्लस आई होल क्यूब माइनस सेवन ए। अभी देखो इसमें दो तरीके हो सकते हैं, या तो मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगा दें इस पूरे को ए मान लें इस पूरे को भी, या दोनों में इंडिविजुअली ए माइनस बी और ए प्लस बी होल क्यूब लगा दें। मैं एक साथ ही कर देता हूं, इसको ए क्यूब मान लेता हूं इसको बी क्यूब। सर हां, हम मैट्रिसेस में ऐसे अलजेब्रिक फार्मूलाज लगा सकते हैं? डायरेक्ट वो वाले नहीं लगा, जैसे ए प्लस बी होल स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी नहीं होता है, उसमें वो ध्यान रखना पड़ता है कि ऑर्डर हमने कंसिडर किया हो, ए बी प्लस बी ए होता है। ओके सर, ठीक है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं दे रखा, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑर्डर में प्रॉब्लम ना आ रही हो, तो लगाते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसे a माइनस बी, सॉरी मैं a क्यूब प्लस बी क्यूब लगा रहा हूँ, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब होता है a प्लस बी। अब a प्लस बी में कोई इशू नहीं है, a प्लस बी करेंगे तो i और माइनस आई कैंसिल, टू ए हो जाएगा, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर पहले का स्क्वायर, तो ए माइनस आई होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस टू ए बी नहीं होता है, एक बार ए आई आता है और एक बार आई ए आता है, समझ गए? यस सर। यस सर। साइड में भी कर देता हूँ, ए माइनस आई स्क्वायर को मैं ऐसे करेंगे, ए माइनस आई इंटू ए माइनस आई, तो देखो ए इंटू ए तो ए स्क्वायर हो गया माइनस आई ए, देखो यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी, आई तो कैंसिल मतलब गायब भी हो जाएगा, वन होता है वो, माइनस आई ए और अगले में आएगा माइनस ए आई, तो ये ऑर्डर का वैसे ही यूजली ये 2ab हो जाता है, यहाँ पर ये 2ab नहीं होता, बस इसका ध्यान रखना है। तो पहला ये सिर्फ पहला टर्म हुआ, a स्क्वायर हुआ प्लस b स्क्वायर, ऐसे ही a प्लस i का स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर प्लस i स्क्वायर प्लस ai प्लस ia, और आखिरी टर्म होता है माइनस ab, तो दोनों का प्रोडक्ट a माइनस i इंटू a प्लस i, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस आई ए प्लस ए आई और माइनस आई स्क्वायर, ठीक है। अब ये सॉल्व हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर की वैल्यू आई दे रखी है ऑलरेडी, क्वेश्चन में ए दे रखा है ना, यस सर, हो गया आई, आई स्क्वायर आई हो जाएगा, आई इंटू आई तो आई होता है, माइनस ए आई ए बचेगा सिर्फ, और माइनस आई ए भी ए बचेगा, आई तो वन होता है, वन इंटू ए ए बच जाएगा, तो यहाँ माइनस टू ए आ गया, प्लस ऐसे ए स्क्वायर फिर से आई हो गया, आई स्क्वायर आई हो गया, ए आई फिर से ए हो गया और आई ए भी हो गया, तो प्लस टू ए आ गया, माइनस ब्रैकेट में लगा रखता हूँ, ए स्क्वायर की वैल्यू आई, आई ए की वैल्यू ए, ए आई की वैल्यू ए और आई स्क्वायर की वैल्यू आई। तो यहाँ पे देखो ये तो सारे कैंसिल ही हो गए आपस में, इनका काम खत्म है, माइनस टू ए कैंसिल हो गया, क्या बचा ये टू ए इंटू फोर आई, 2 और into 4 8 हो गया, a into i a रह गया, तो 8 a आ जाएगा फाइनली। है ऑप्शन हमारा तो -7 a भी है, -7 a कहाँ है,
अच्छा क्वेश्चन -7 है, -7 ही है तो लास्ट फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा ए। ए यस मैंने कैलकुलेशन बहुत लंबी दिखाई बट मैं डायरेक्टली यहाँ समझ में आ गया था कि यहाँ ए आई और आई ए लिखा हो सीधे इसको तुम टू ए यहीं पर लिख सकते थे। मैंने स्टेप दिखाने के लिए सारे स्टेप थोड़े से लंबे लंबे लिख दिए। और कोई डाउट रहना इसमें? For any two matrices, AB is not equal to B. तुम कितनी बार बोल चुके हैं कि matrix multiplication is not commutative. तो AB और B हमेशा equal हो ऐसा जरूरी नहीं। Sir, इसका answer none of the above है। हाँ, objective में यार ये सब नाटक हो जाते हैं। For any two matrices, we have AB is equal to B. नहीं, AB is not equal to B. ये भी हर matrix के लिए नहीं, कुछ में तो हो भी जाता है। AB is equal to ठीक है, बेस्ट पॉसिबल यहाँ नन ऑफ द एबव भी होगा। तुम लोग समझ गए ना क्या मतलब हुआ यहाँ पर? क्योंकि किन्हीं भी दो मैट्रिक्स की बात कर रहा तो हो सकता है किसी केस में इक्वल हो, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि हमेशा नॉट इक्वल होता है, ये भी नहीं कह सकते हमेशा इक्वल होता है, ये भी नहीं कह सकते जीरो होता है। मान लो नन ऑफ द एबव नहीं होता तो फिर बी ऑप्शन करेक्ट होता है। ठीक है, मान लो ए बी इज इक्वल टू आई हो जाता तो फिर सेकेंड मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाता। और कोई डाउट? ठीक है, सो नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली फिल इन द ब्लैंक्स 68 से लेके 101, अराउंड 33 क्वेश्चन है, लेकिन बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। आई गेस 10 मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे, 10 मिनट एट मैक्स, कुछ लिखने का इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो ये कर लेंगे तो हमारा ये मैट्रिक्स का रिविजन खत्म हो जाएगा। जिन्होंने अच्छे से किए समझ लो, 101 क्वेश्चन करना इज अ बिग थिंग, जिन्होंने अच्छे से किए तो बहुत अच्छा रिविजन हो गया होगा, तो अपना लास्ट तक फिर जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। ठीक है, एक राउंड हम भी और करेंगे बट यहाँ से काफी सॉलिडिफाई तुम्हारा हो जाएगा इफ यू आर डूइंग ऑल द क्वेश्चंस फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि इवेंचुअली चीजें याद आने लगती है कि अच्छा यहाँ एक और क्वेश्चन ऐसा भी था, इसमें कई नई क्वेश्चन नए टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं, तो एवरीथिंग गेट्स कवर्ड। ठीक है, चलो तो हम डाउट डिस्कस करके नेक्स्ट क्लास में डिटर्मिनेंट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अभी डिटर्मिनेंट से वो कम कट हुआ है सिलेबस, तो वो चैप्टर थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, ये दोनों काइंड ऑफ इजी सेक्शन ही रहेगा तुम्हारे एग्जाम में। एंड नाउ वी आर श्योर कि 6 मार्क का क्वेश्चन वो डिटरमिनेंट से इनवर्स वाला आना है, तो उसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। चलो आज के लिए इतने, टिल द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।